एक बड़ी खबर, ईरान के हमले के साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव के पास जाफा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है तो वहीं कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शहर के जेरूसलम स्ट्रीट पर हुई। पुलिस के मुताबिक जाफा में गोलीबारी एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। वही जानकारी ये भी है कि दोनों आतंकियों को इजरायली पुलिस ने मार गिराया है। एक बड़ी खबर, ईरान के हमले के साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव के पास जाफा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है तो वहीं कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शहर के जेरूसलम स्ट्रीट पर हुई। पुलिस के मुताबिक जाफा में गोलीबारी एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। वही जानकारी ये भी है कि दोनों आतंकियों को इसराइली पुलिस ने मार गिराया है। एक बड़ी खबर, ईरान के हमले के साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव के पास जाफा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है तो वहीं कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शहर के जेरूसलम स्ट्रीट पर हुई। पुलिस के मुताबिक जाफा में गोलीबारी एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। वही जानकारी ये भी है कि दोनों आतंकियों को इसराइली पुलिस ने मार गिराया है।